दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज मंच। जब जब योगी आदित्यनाथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी फंसती है, तब तब योगी जी पीछे हो जाते हैं और केशव मौर्य को आगे किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, फिर केशव मौर्य को आगे किया गया, क्योंकि मुख्तार अंसारी के मामले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पे चली गई है। और जिस दरअसल मुख्तार की मौत जिन परिस्थितियों में हुई है, उस जिस मुख्तार की मौत कस्टडी में हुई है, और किसी कस्टडी में हुई, जेल विभाग में मौत, जेल विभाग जेल में बंद थे वो मुख्तार। और जेल जेल मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री और जेल विभाग सबके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। उस घटना के बाद जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने 21 तारीख को बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में अपने वकील के जरिए प्रार्थना पत्र दिया था कि साहब मुझे मारने के लिए खाने में जहर दिया गया है, उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी वो बीमार होते हैं। पहले 26 तारीख को उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और आईसीयू से 14 घंटे के बाद उनको जिला जेल भेज दिया जाता है। फिर 28 तारीख को खबर आती है कि मुख्तार बीमार हो गए, मेडिकल कॉलेज लाए जाते हैं, वहां पे उनको उनकी 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 मौत हो जाती है। और सरकार यह बयान देती है, मेडिकल का बुलेटिन आ रहा है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। योगी जी उस दिन के बाद से, हर बात पे बयान देने वाले योगी जी उस दिन के बाद से एकदम खामोश हो गए हैं। लेकिन जब मुख्तार के परिवार ने ये उठाया मामला कि मुख्तार ने जहर देने की साजिश की शिकायत की थी कोर्ट में, बाद में एप्लीकेशन भी सामने में आ गई, उसके बाद मुख्तार का परिवार और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हो गया। योगी जी ने फिर मौन धारण कर लिया, योगी जी इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद परसों खबर आती है कि अखिलेश 5 तारीख को खबर आती है कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर शोक प्रकट करने जाएंगे। फिर क्या होता है, डैमेज हो गया है। अब दिल्ली से फोन आता है, केशव मौर्य को आगे किया जाता है। जी हाँ, उसी केशव मौर्य को भारतीय जनता पार्टी जब जब फंसती है तो केशव मौर्य को आगे किया जाता है, योगी जी को बैकफुट में कर दिया जाता है। केशव जी आते हैं और बयान देते हैं। क्या बयान देते हैं? उन्होंने बयान दिया कि मुख्तार अंसारी दरअसल सपा की बीमारी है। सुनिए, मुख्तार अंसारी दरअसल सपा की बीमारी है, समाजवादी पार्टी गैंगस्टरों की पार्टी है, अखिलेश यादव को जहां जाना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीतेगी। अब इस बात का कितने सटीक शब्दों में अखिलेश यादव ने जवाब दिया है, मैं जरा कंट्रोल रूम से कहूंगा उस वीडियो को चलाया जाए जो कल मुख्तार अंसारी के घर से निकलकर हेलीपैड पे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। इतनी बार वो विधायक चुने गए, जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रह करके उसका दुख दर्द बांटा है। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सोशल मीडिया का जमाना है, आज वो तमाम स्टोरीज वहां पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझते हैं। ये सवाल का एक हिस्सा था। जब लोगों ने फिर दोबारा याद दिला कि सर केशव मौर्य ने बोला है कि मुख्तार तो गैंगस्टर है, तो अखिलेश यादव ने बोला कि भैया, उन्होंने उल्टा केशव मौर्य पर आरोप लगा दिया कि केशव मौर्य खुद गुंडे हैं और उनकी भी तस्वीर अपराधियों की तरह लगा देनी चाहिए, ये अखिलेश यादव बोले। और बोल के फिर हेलीकॉप्टर से लखनऊ चले गए। जी हाँ, मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ, असली मामला इसके बाद शुरू होता है। उसके बाद अफजाल अंसारी ने कल मीडिया कर्मियों से खोलकर बात की। पहली बात, अफजाल अंसारी ने मीडिया पे सवाल उठाया, मीडिया से उन्होंने कहा कि आप लोग लगातार एक नैरेटिव चला रहे हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया है, लगातार चला रहे हैं पिछले कई सालों से। अब उसकी मौत के बाद कम से कम उस आदमी का इस तरह से चरित्र हनन बंद कीजिए। दूसरा, उन्होंने पलट के सवाल पूछा कि मुख्तार अंसारी दिसंबर 2005 में, अक्टूबर 2005 में जेल चले गए थे, तब से लगातार जेल में थे, और यह ऐसा अफजाल अंसारी ने कहा कि उनके ऊपर जो मुकदमे लादे गए हैं उसमें 90% से ज्यादा मुकदमे जो है जब वो जेल में रहे हैं, मतलब
2005 से लेकर 2024 तक जब तक उनकी मौत नहीं हुई, लगातार 19 सालों तक वो जेल में थे और इस दौरान उनके ऊपर जेल में मुकदमे लादे गए। उनका कहना था कि जो आदमी जेल में है उसके ऊपर मुकदमे शासन ने उस आदमी को फंसाने के लिए लगाए मुख्तार। और साथ ही साथ अफजाल ने बार बार इस चीज का जिक्र किया कि अकदा मुख्तार अगर माफिया होता तो आप सबने देखा, दुनिया देख रही है कि जिस दिन मुख्तार की मर आई है उस दिन से लगातार हमारे घर पे लाखों लोग उस दिन आए जिस दिन जनाजा था, उसके अलावा रोज हजारों की संख्या में लोग पूरे देश से आ रहे हैं मुख्तार की मौत पे शोक प्रकट करने, उसकी उसकी कब्र पे जाकर लोग उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये बता रहा है कि मुख्तार देश बेसिकली गरीबों का मसीहा था। खैर, ये अफजाल की बात थी। फिर उनसे जब केशव मौर्य के बारे में पूछा गया कि केशव मौर्य ने कहा कि सपा मुख्तार अंसारी दरअसल सपा की बीमारी है और सपा जो गैंगस्टर की पार्टी है, इस सवाल पे और अखिलेश यादव के वहां यहाँ आने पे भी उन्होंने सवाल उठाया था, उन्होंने इसका भी जवाब दिया। वो जवाब मैं आपको बाद में बताऊंगा उन्होंने क्या जवाब दिया, लेकिन केशव मौर्य का तो उन्होंने वो फुल फॉर्म में आ गया। अफजाल अंसारी लगे बोलने कि भैया केशव मौर्य के ऊपर खुद 16 मुकदमे दर्ज हैं और यहां तक बोल दिया उनके ऊपर 302 तक का मुकदमा दर्ज है। जिस जो आदमी खुद जिसके ऊपर 16 मुकदमे हैं 302 का मुकदमा दर्ज है वो तो खुद ही माफिया है, और उसके अलावा ये आदमी चुनाव भी हार गया उसके बाद भी मंत्री बन गया। साथ ही साथ अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि केशव जी के साथ योगी के ऊपर भी अटैक किया, मोदी के ऊपर भी अटैक किया, कि ये सारे लोग अपने गुनाह को छिपाने के लिए मुख्तार के ऊपर तमाम तरह के उन्होंने मुकदमे लादे हैं और तमाम तरह की चीजें की हैं। इसी दौरान कृष्णानंद राय हत्याकांड पे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भैया उनको तो कोर्ट ने कृष्णानंद राय की हत्या में अपराधी मानकर सजा दी थी, तो कह नहीं आपकी जानकारी अधूरी है, आपकी जानकारी अधूरी है, कोर्ट ने कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप से मुख्तार को बरी कर दिया है। ये अफजाल का दावा है। अफजाल ने कल दावा किया कि मुख्तार को कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा दी गई है। खैर, मैंने इसका कानूनी पक्ष नहीं देखा, ये अफजाल का दावा है। लेकिन उसके बाद लगातार वो जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने खुल के अटैक किया और बोला कि मुख्तार की मौत को के बाद जिस तरह से मुख्तार ने कहा था, 21 तारीख को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, उसने मुझसे फोन पे भी कहा था कि मुझको जहर देके मारने की कोशिश की जा रही है। और एक और चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने किया, वो बार बार उसी चट्टी की घटना का जिक्र। अफजाल कल उन्होंने एक और घटना का जिक्र किया कि 15 जुलाई 2001 को जब ये घटना हुई थी, याद मैं करा दूं जनता को दर्शकों को कि 15 जुलाई 2001 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। जी हाँ, राजनाथ सिंह, भाजपा की सरकार थी और उस दिन उसरे चट्टी पे मुख्तार के काफिले पे अटैक हुआ था, उसमें 3 लोगों की जान गई थी और उसमें मुख्तार ने नामजद अभियुक्त बनाया था ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह। कल वहां पे जितने भी रिपोर्टर्स थे उनसे उन्होंने कहा कि जो भी लोग मारे गए हैं, एक ब्राह्मण था, एक भूमियार था, एक और बिरादरी का था, कई 3 लोगों के घर जाके देखिए पूछिए, ये बताएंगे कि मुख्तार क्या था। उन्होंने कई परिवारों का नाम लिया, कह लो जो लोग डायरेक्ट मुकदमा लड़ रहे हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जैसे मैं अगर आपसे डायरेक्ट मुकदमा लड़ूंगा तो मैं तो आपके खिलाफ बोलूंगा ही बोलूंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि पता करिए कि मुख्तार के बारे में। और वैसे भी सच यही है कि मीडिया में लगातार बयान आ रहे हैं, हर बिरादरी और हर मजहब के लोग मुख्तार की ज्यादातर संख्या में तारीफ ही करते दिख रहे हैं, तो ये भीड़ बता रही है। और इसी बात का अखिलेश यादव ने भी जिक्र किया कि जो आदमी जेल में बंद है, जी हाँ 2005 में मुख्तार जेल में बंद थे, उसके बाद मुख्तार 2007 का चुनाव जीतते हैं, 2012 का जीतते हैं और 2017 में नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में भी नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में भी मऊ में विधानसभा चुनाव में जेल में रहते हुए मुख्तार से चुनाव जीत गए थे ये, और उसके बाद मुख्तार चुनाव नहीं लड़े और उसी सीट पे मुख्तार का बेटा भी चुनाव जीता। 2022 में तो योगी जी खुद मुख्यमंत्री थे। तो सवाल देखिए, अगर तर्क की दृष्टि से देखा जाए, अगर वास्तव में उनके परिवार को जनता माफिया मानती तो कैसे चुनाव जीत गए, और अगर वो चुनाव में उन्होंने हेर फेर किया, मान लीजिए जब तक मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तब तक तो आरोप लगा सकते थे आप,
कि वो दबाव डाल के प्रशासन के जरिए दबाव डाल के वोटरों को धराधाम कर सकते थे, लेकिन जब से 84 दिनों से सर्वशक्तिमान जो अपने आप को योगी के समर्थक उनको सर्वशक्तिमान बनाते हैं, उस सर्वशक्तिमान योगी के रहते भी मऊ में 2022 में मुख्तार का बेटा कैसे चुनाव जीत गया, मुख्तार का भतीजा कैसे जीत गया, मुख्तार का भाई कैसे जीत गया, जब इनकी पार्टी से, ये देखिए सवाल बड़े तार्किक है, तो अब आप ये इन चीजों का जवाब नहीं देंगे यार। और घुमा फिरा के जिस तरह से उन्होंने कल आरोप लगाया केशव मौर्य के ऊपर कि भैया 16 मुकदमे हैं केशव मौर्य के ऊपर, और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 302 का मुकदमा है। अब मैं यहां बताता हूं, यहां भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन समझिए। कल केशव मौर्य को अफजाल अंसारी ने बता दिया कि वो तो माफिया है, अखिलेश यादव ने भी बोल दिया तो वो तो गुंडे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का योगी का आईटी सेल कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल को आना चाहिए ना, डिफेंड करना चाहिए केशव मौर्य को कि केशव मौर्य गुंडा नहीं है। कितने ट्वीट आपने सोशल मीडिया पे देखे हैं कि योगी के समर्थकों ने ट्वीट किया हो केशव मौर्य के बचाव में? जी नहीं। जब ये फंस जाएगी भारतीय जनता पार्टी, जब मोदी को लगेगा कि हमारा मिशन 80 खतरे में है। और सुनिए कल का प्रोग्राम कहां लगा था केशव मौर्य का? कल का प्रोग्राम केशव मौर्य का आजमगढ़ जिले में लगा था, जहां पे गाजीपुर गए थे ना अखिलेश यादव, वहां से 60 किलोमीटर की दूरी नहीं थी। मतलब जब मामला फंसेगा अखिलेश यादव को फेस करना होगा तो फ्रंट पे केशव मौर्य को किया जाएगा, और जब मलाई खानी होगी, मीडिया में ताली बजानी होगी, तब योगी जी के बयान चलाए जाएंगे, तब योगी जी के बयान चलाए जाएंगे। ये है भारतीय। मैं आपको कई किस्से बता दूं। अयोध्या में दीपोत्सव होगा तो योगी जी जाएंगे, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाएंगे। और अयोध्या में जब रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी, उसके 6 दिन पहले से गली गली साफ करेंगे केशव मौर्य, गली गली साफ करेंगे केशव मौर्य। और प्रधानमंत्री के समय के साथ प्राण प्रतिष्ठा के समय अंदर कौन बैठेगा? अंदर योगी आदित्यनाथ बैठेंगे और केशव मौर्य तब कहीं बाहर रहेंगे। मतलब ये आलम है भाई साहब कि योगी के खास अधिकारी हैं, वो अपनी पत्नी के साथ जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन से फोटो खिंचवा रहे हैं मूर्ति के साथ, प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम के साथ, और केशव मौर्य की आपको कोई तस्वीर नहीं दिखेगी। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आप केशव मौर्य की एक तस्वीर दिखा दीजिए मुझे, रामलला के पास गर्भगृह में, वहां सिर्फ योगी जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे और योगी जी के परम प्रिय अधिकारी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाएंगे। ये है भाजपा का असली चेहरा। अब आए ना आईटी सेल, अब आईटी सेल आके डिफेंड करे केशव मौर्य को, बताए भाई। जब आप अफजाल ने कल शाम को 7-8 बजे से ये वीडियो वायरल है, लगातार चल रहा है यूट्यूब चैनल्स पे, अब तक आपने कितनी डिबेट देखी, कितने भारतीय जनता पार्टी के प्रिय पत्रकारों ने इस पे बयान दिया, एक परवेज अहमद है, एक फलाने तिवारी, ढिकाने चौबे, फलाने मिश्रा, कोई आया? कोई नहीं आएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र कि जब विपक्ष उनके ओबीसी बिरादरी के नेता पर अटैक करेगा, केशव मौर्य पर अटैक करेगा, तो भारतीय जनता बैकफुट में चली जाएगी। लेकिन जब जब मोदी का मिशन 80 फंसेगा तो केशव मौर्य को आगे किया जाएगा कि हे केशव अब तुम जाओ मैदान संभालो। इस पे जवाब कब देगी भारतीय जनता पार्टी कि जो आरोप लगाए हैं, जिन मुकदमों का जिक्र किया है, वो कब के अपराध है, उन मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्योंकि योगी जी के बारे में तो सब जानते हैं कि योगी जी के ऊपर जितने भी मुकदमे थे वो योगी जी ने वापस ले लिए मुख्यमंत्री बनते हुए, ये तो सोशल मीडिया में चलता है भाई। राजनीतिक रूपों के लोगों के ऊपर तमाम तरह के मुकदमे हो जाते हैं। एक जानकार तो ये भी बता रहे थे कि योगी जी के ऊपर भी किसी कमलेश पासवान की मृत्यु में उनके ऊपर भी 302 का मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन वो सारे मुकदमे तो वापस कर लिए गए हैं। लेकिन हमको कल तक व्यक्तिगत रूप से नहीं पता था कि केशव मौर्य के ऊपर इतने मुकदमे, और अफजाल अंसारी ने जिक्र किया है कि 16 मुकदमे हैं, 302 का भी मुकदमा है। अब तक क्यों नहीं आईटी सेल उतरा मैदान में
अब तक क्यों नहीं आई टी सरुत्रा मैदान में ये बताने के लिए नहीं केशव मौर्य के ऊपर मुकदमे राजनीतिक हैं या कोई बयान नहीं, कोई बयान नहीं इनको। अब आप समझ गए ना, समझ लीजिए फंस गए। मुख्तार के मौत के बाद इतने सवाल उठे हैं, तो जेल मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश का कानून गृह मंत्रालय गृह मंत्री किसके, गृह मंत्री कौन है, जेल मंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है ना, तो उनको आके मतलब तो आके बयान देना चाहिए है। योगी जी इन मुद्दों पे बयान नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी जब जब फंसेगी केशव मौर्य को आगे करेगी। और अभी तक कि कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं वो केशव मौर्य के बचाव में नहीं उतरे, यही फिलहाल है। देखिए आगे क्या होता है। वैसे तो कल राजीव राय ने दावा कर दिया कि 8 सीटों पे भाजपा का साफ है पूर्वांचल में, कल के अखिलेश जी के दौरे के बाद। नतीजा क्या होगा 4 जून को आएगा। आप सब देखते रहिए न्यूज लॉन्चर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।